गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इवनिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। ओके, मैं यहाँ जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर अर्थ साइन है मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, फायर साइन मेष सिंह धनु एरिस लियो सजिटेरियस एंड वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो और यहाँ पर स्पेशल साइन है जेमिनाई। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और नंबर की अगर बात करें कि आपके लिए कौन से नंबर लकी हो सकते हैं या फिर अनलकी साबित हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर है, छः नंबर है, तीन नंबर है, सात नंबर है, या आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में इन डेट्स में, इन मंथ्स में रही थी वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई एक पर्सन है जो काफ़ी टाइम से इन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिशें कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो भी है, आप है या आपके पार्टनर हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था और एक के बाद एक इस पर्सन के जीवन में प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने वाली हैं, ऐसा यहाँ पर इस कार्ड को देखकर लगता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से इन प्रॉब्लम्स से लड़ रहे थे, अब ये जो भी आपकी लड़ाई है ना ये ख़त्म होगी बहुत जल्दी, सेवन वीक्स में या फिर सेवन डेज़ में भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र भी मिल जाए या फिर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल ले, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपके जीवन में एंटर भी हो सकता है जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद कर सकता है आपकी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है और द लवर्स भी है और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो प्यार था थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ है और कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके पर्सन के करियर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर ये जो करियर प्रॉब्लम्स है बहुत जल्द सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, करियर बनाना चाहता है अपना और अच्छी खासी ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, ये अपने करियर में अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं आपके जीवन में भी और आपके पर्सन के जीवन में भी और यहाँ पर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए और आपके पर्सन को भी, आप दोनों को एक होना है, आप दोनों को अपना प्यार कंप्लीट करना है, आप दोनों को एक दूसरे का ही अगर होना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के जीवन में जिनसे आपको साथ में मिलकर लड़ना है और इन प्रॉब्लम्स से बाहर आना है, तो आप दोनों अगर साथ में रहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आपका पर्सन और आप दोनों मिलकर एक और 11 हो सकते हैं, ये जो आप दोनों का बॉन्ड है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर आप दोनों साथ में रहें। बट यहाँ पर अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गई है, एंटर हो चुकी है, तो आपका पर्सन बहुत जल्द यहाँ से भी बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम आपके या आपके पर्सन के जीवन में नहीं रहेगी, उनसे आप दोनों पार निकल ही जाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये तो रही आप दोनों के रिलेशनशिप की बात। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की आज शाम की बात करें कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आज शाम क्या थी, तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्यार से भरे हुए एक ऐसे आशिक की थी जो सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहता है, आपका बनना चाहता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप दोनों की सोल एक दूसरे से इस तरह अटैच है कि आप दोनों अलग भी होना चाहें तो भी नहीं हो पाएंगे। ये रिलेशन एक बार अगर ख़त्म हुआ है तो फिर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उससे भी आपका पर्सन निकलने के बारे में ही सोच रहा था आज शाम। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लव यू ऑल।